पे हमारा बना हुआ है, गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं हमने, दो हो गई हैं, दो हो गई हैं और तीसरी अभी अंदर है। अच्छा, तो आप क्या माल लेने आए? आपको ये किसने रेफर किया था? आपको कैसे पता लगा कि यहाँ के नान बहुत अच्छे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुखों से, परेशानियों से हमेशा दूर रखे, आमीन सुम आमीन। मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं हूँ साजिद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साजिद अली फैमिली ब्लॉग्स। आज के इस ब्लॉग का करते हैं आगाज़। तो देखिए, आज हम गाड़ी सर्विस कर रहे हैं अपने घर पर। एक गाड़ी हमने धो ली है, आज मैं आपको मिलवाऊंगा अपने छोटे भाई से, जैन। मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? शुक्र है, आप सुनाओ? शुक्र है अल्लाह का करम है। गाड़ी धुल गई, साफ हो गई ना? कैसा लग रहा है लाहौर आके? लाहौर आके बहुत मज़ा आ रहा है यार, मुझे तो लाहौर आके वैसे ही बहुत मज़ा आता है। मैं तो वैसे ही इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि कब हम लाहौर जाएंगे। कोयटा की सर्दी तो नहीं याद आ रही? कोयटा की सर्दी यार, बस लेके आ गए थे हम लोग, मज़े लेके आ गए थे उसके। अब ज़रा लाहौर की सर्दी थोड़ी सी इन्जॉय करेंगे। लाहौर में तो सर्दी खत्म हो गई। हाँ वैसे ये भी बात है, लाहौर में सर्दी ख़त्म हो गई है। तो एक और भाई से हम आज आपको मिलवाएंगे, आसिफ भाई, हमारे आसिफ भाई। आसिफ भाई सलाम कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? खुश है, मज़े में? कैसे चल रही है ज़िंदगी? आज तो सर्विस डे हमारा बना हुआ है, गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं हमने, दो तो हो गई हैं। दो हो गई हैं? हाँ दो हो गई हैं और तीसरी अभी अंदर है। अच्छा, चल अच्छी बात है। अच्छा, खुद ही काम पर लगे हैं? जी जी, ये वो आपको पहले बताया ना, ये नहाई धोई अच्छी लगती है। हाँ नहाई धोई साफ साफ अच्छी लगती है। और सर आप सुनाएं? बस मज़े में अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैर कबूर सर? लहन भाई ने बस अपने गाड़ी स्टार्ट करके, साफ करके स्टार्ट करके पूरा ले गए। अब मेरी गाड़ी की बारी है, आपकी गाड़ी की। अब मेरी गाड़ी की बारी, इसकी काम वाम करवा लिया आज, इसकी हमने बोला धुलाई भी करा दी, धुलाई भी ज़रूरी है। और सब ठीक ठाक है सर? मेहरबानी। अब मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ सर्विस स्टेशन पे। हम लोग गाड़ी धो रहे हैं और पारी चला गया, आधी धुली है। मैंने और जैन ने दो गाड़ियां धो ली हैं, सर्विस कर ली है। सर्विस तो नहीं, वॉश हो गई है। सर्विस तो जिन नीचे से भी होती है, इंजन भी होता है। तो देखिए जी, ये कल का दरवाज़ा पेंट हुआ हुआ है पिछला। टायर रह गए क्योंकि पानी अब चला गया है। मोटरसाइकिल भी वॉश करनी थी, अब पानी बंद हो गया।
और ये फ्रंट से ये देखिए जी, तो ये भी हमने एक तकरीबन तमाम वॉश हो गई है गाड़ी, बस रह गया है टायर। देखिए टायर रह गए हैं, पानी चला जा चुका है इस वजह से अब टायर नहीं धुल सकेंगे। वैसे तो हमने मोटरसाइकिल भी वॉश करनी थी, तो मोटरसाइकिल अब वॉश नहीं हो सकेगी। इधर फिरोजपुर रोड पर ये है। फिरोजपुर रोड इचरा, यहाँ ये शॉप है और बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त सेटअप है इनका, बेहतरीन किस्म का बहुत बड़ा सेटअप है। जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाइव से टीम लगे हुए हैं और अच्छे इस तरह की बना रहे हैं। होटल पे तो हो गया 900 90। क्या चैनल है आपका? फाइव स्टार के हेड स्टार है, क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब हैं, फाइव स्टार में हेड शेफ कह सकते हैं, जो भी आप कह लें। तो ये हेड हैं यहाँ के और ये बाकी माशाल्लाह इधर कारीगर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा आप लोग इसीलिए आपसे मजबूर है, इसीलिए तो हम आपके पास आए कि यार हम भी चेक करें खा लेते आप क्या माल लेने आए हैं? आपको ये किसने रेफर किया था? आपको कैसे पता लगा कि यहाँ के नान बहुत अच्छे हैं? अच्छा, और ये है मेरा क्या मेरे छोटे भाई का बेटा उबैद। उबैद अभी क्या हाल है? नान शॉप के साथ यहाँ सिटिंग सेटअप भी है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बैठ कर भी खाया जा सकता है, लेकिन लेडीज के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ अलबत्ता जेंट्स यहाँ बैठकर आराम से खा सकते हैं।
हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैरियर ठीक ठाक, कुछ मज़े में, तबीयत ठीक है? यार हाई ऑक्टेन अल्ट्रा आपका जो है ये इससे फुल कर दीजिए। ठीक हो गया सर। मियाँ चन्नू से आने मियाँ चन्नू में पेट्रोल हमने टैंक फुल करवाया था, उसके बाद अब हम फुल करवा रहे हैं। लाहौर भी काफ़ी घूम लिया हम लोग, उसके बाद खैर हाई ऑक्टेन मैंने इसलिए डलवाया है ताकि कुछ इंजेक्टर्स वगैरह फाइल वगैरह साफ़ हो जाए, तो इसी वजह से हाई ऑक्टेन से जी टैंक फुल करवा रहे हैं। यूट्यूब पे नहीं, फुल तक नहीं करो, बस ऐसा करो 4193 बस 42.42 कर दो। ठीक हो गया जी। यार कोविन वालों को तो बड़ा अच्छा सेटअप है, फिर साथ में ही दे देते हो, मांगने की जरूरत नहीं। माशाल्लाह हमारे कस्टमर अच्छे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे। सबसे पहले बेसन वाला नान को चेक करते हैं। चल जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तो दे दो, तो आलू वाला बेसन वाला अच्छा है, लेकिन मुझे बेसन वाला ज्यादा पसंद नहीं है। जैन तुम्हारे को क्या ख्याल है? इसकी स्पेशलिटी या बेसन वो चिकन चीज़ नान और कीमा नान, नहीं वैसे इसीलिए मैं वो खाता हूँ। अच्छा चल, ये बता ये कैसे, ये अच्छा नंबर दे दो 10 में से 8 नंबर, आठ नंबर जैन की तरफ से 8 नंबर, मैं 7 नंबर दूंगा इसको। आलू वाला नान चेक करता जी, आलू वाला नान आलू वाला नान जबरदस्त है। बटाटे नान चीते आलू को मर के खान खान। आलू वाला बहुत जबरदस्त है। हमारे क्या ख्याल है? ठीक है। 10 में से 7 नंबर। ओ जैन 10 में से 7 नंबर दे दिए और मैं इसको 8 देता हूँ। मैं आलू वाला ज्यादा शौक से खाता हूँ इसलिए 8 नंबर आलू वाला नान। पहले 7 फिर 8। आप खाते हैं कीमे वाला नान चेक करते हैं। स्पेशलिटी चिकन चीज और कीमा। कीमे वाला नान तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कीमा ही है पूरा, इसमें नान है? है इसमें नान? अच्छा लग रहा है। कीमे को आटे में गूंदा हुआ है। अच्छा कीमे को आटे में गूंदा हुआ है। दस चटनी के साथ खाते हैं। जबरदस्त, 10 में से 10 नंबर मैं तो दे रहा हूँ। जैन तुम्हारा क्या ख्याल है? 10 में से 10 दोनों भाइयों का 10 में से 10 दिए भाई इसको। आखिरी नान चिकन चीज नान। कैसे अबू?
अबू से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगा क्योंकि अबू अभी मेरे बनियान में फिर रहे हैं। चिकन चीज नान भी बहुत जबरदस्त है, चटनी के साथ चेक करते हैं। टेन आउट ऑफ टेन जैन। हाँ जी, 10 out of 10। जैन ने भी 10 out of 10 दे दिए भाई। और अगर आप वहां पर बैठ कर खाएंगे तो इसका जायका आपको दोबाला हो जाएगा। इसका समझ आई, आप वहां बैठ कर अगर खाएंगे तो इसका दो जो मजा है वो दोबाला हो जाएगा। अब हम खाते हैं अपना खाना, आप लोग इधर उधर घूमें।